हाय, तो आज ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रेजी डायमंड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन क्या है, तो एक एरे ठीक है, तो देखो इसमें हमारे को गिवन क्या होगा, एक एरे गिवन होगा ठीक है, एन साइज का। उसमें वन से लेकर एन तक एलिमेंट्स हो सकते हैं ठीक है, वन से लेकर एन तक एलिमेंट्स होंगे, उनका ऑर्डर प्रीडिफाइंड नहीं है, मीन्स कुछ भी ऑर्डर हो सकता है ठीक है। एरे गिवन है एन साइज का, जिसमें वन से लेकर एन तक एलिमेंट्स होने वाले हैं ठीक है, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ठीक। जैसे 1, 2, 3, 4, ये एक एरे है चार साइज का ठीक है। हमारे को ये इनपुट गिवन है, आउटपुट में हमें क्या करना है, आउटपुट में हमें इस एरे को करना है सॉर्ट। इस एरे को अगर सॉर्ट करेंगे तो फाइनल एरे ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब ये एरे कैसे बना होगा, ये एरे बना होगा, इस एरे को अगर हम कंसीडर करें, हमने 1, 2 को कर दिया स्वैप। हमारे पास इस एरे को इसमें कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन क्या है, हम स्वैपिंग कर सकते हैं ठीक है, हम स्वैपिंग कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मल स्वैपिंग लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स को स्वैप कर दो। मैंने 1, 2 को स्वैप किया, 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 4, 3 ठीक है। मीन्स फर्स्ट स्टेप में 1 एंड 2 स्वैप हुए। नेक्स्ट स्टेज में हमने 3 एंड 4 को स्वैप कर दिया, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ठीक है, 3, 4 को स्वैप किया। तो हमारा जो आंसर आना था वो आना था, सबसे पहले किसको स्वैप किया हमने, 1 स्पेस 2, फिर 3 स्पेस 4, ये हमारा आंसर होना था नॉर्मल सा ठीक है। अगर इतना सा क्वेश्चन होता कि हमारे को एक एरे गिवन है एन साइज का ठीक है, उसमें 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स हैं, हम उसमें से किसी भी 2 वैल्यूज को, मीन्स वो हमारी मर्जी है, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं ठीक है। हमारे को इस एरे को करना है सॉर्ट, तो किन किन एलिमेंट्स को हमें स्वैप करना होगा। दूसरी कंडीशन, मिनिमाइजेशन कुछ नहीं करनी, मिनिमाइजेशन टाइप्स कुछ निकालना नहीं है, कि मतलब मिनिमम स्वैप्स में ही आंसर लाना है ठीक है। स्वैप्स जितने मर्जी आ सकते हैं, तो मिनिमाइजेशन जैसी कुछ टेक्निक लगानी नहीं ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने कहा कि ना कोई भी 2 एलिमेंट स्वैप हो सकते हैं, बट इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है, हमारे को सेम एज इट इज यही परम्यूटेशन गिवन है, बट हम 2 एलिमेंट्स को तब स्वैप कर सकते हैं, 2 एलिमेंट्स को तब स्वैप कर सकते हैं अगर मान लो एक का इंडेक्स है आई, एक का इंडेक्स है जे। तो ये 2 एलिमेंट्स तभी स्वैप हो सकते हैं अगर i-j का जो मॉड है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n/2 है। 2 एलिमेंट्स को हम सिर्फ और सिर्फ तभी स्वैप करेंगे अगर उनके बीच का साइज n/2 से बड़ा या फिर n/2 के इक्वल हो, मीन्स एरे के हाफ पे रखा हो या फिर हाफ से दूर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये एरे है, एरे में एलिमेंट्स हैं बहुत सारे ठीक है, ये n/2 है ठीक है, ये 0 है, ये n-1 है ठीक है। अब अगर मैं यहां से कोई इंडेक्स आई लेता हूं ठीक है, तो मैं इस आई को यहां से लेकर कहां तक के बंदों के साथ स्वैप नहीं कर सकता। यहां से लेकर स्वैपिंग कहां से स्टार्ट होगी, i+n/2 ठीक है। मैं इस आई को इनमें से किसी भी पर्सन के साथ स्वैप नहीं कर सकता, मैं इस जे के बाद किसी के भी साथ स्वैप कर सकता हूं, बट इस जे से पहले, मीन्स यहां से यहां तक के पर्सन को स्वैप नहीं कर सकता। ऐसे ही आई से लेकर कहां तक स्वैप नहीं कर सकता, i-n/2 तक स्वैप नहीं कर सकता। दोनों साइड में i+n/2 तक स्वैप नहीं कर सकता, राइट में एंड लेफ्ट में i-n/2 तक स्वैप नहीं कर सकता ठीक है। ऐसा कुछ हमारे को गिवन है ठीक है। तो इससे हमें बताना है कि हम किस तरीके से स्वैप करने वाले हैं कि ये एरे हो जाए सॉर्टेड ठीक है। तो इन्हीं का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो ये एरे है 2, 5, 3, 1, 4, 6 ठीक है। इसमें एन है 6, इसका मतलब n/2 हो जाएगा 3। तो जो 2 एलिमेंट जो हम स्वैप करना चाहते हैं, उनके बीच में डिफरेंस या तो 3 का होना चाहिए या तो 3 से ज्यादा होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे 0 एंड 3 स्वैप हो सकते हैं, 1 एंड 4 स्वैप हो सकते हैं, 2 एंड 5 स्वैप हो सकते हैं।
वन टू स्वैप नहीं हो सकते, क्यों? वन टू के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 माइनस 1, दैट इज 1, ठीक है? तो उनके बीच का डिफरेंस मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा है तो उनको स्वैप कर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इनको वन वन बेस्ड इंडेक्सिंग दे रखा है इन्होंने, इसको वन बेस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इन्होंने कहा सबसे पहले 1 एंड 5 को स्वैप कर दो, 1 एंड 5 को स्वैप कर सकते हैं, क्यों? यहाँ 4 यहाँ 2, 1 एंड 5 को क्यों स्वैप कर सकते हैं, 1 एंड 5 के बीच में डिफरेंस है 5 माइनस 1, दैट इज 4, ठीक है? मींस ये 3 से तो बड़ा है, तो इन दोनों को कर दिया स्वैप। नेक्स्ट स्वैपिंग करी इन्होंने 2 एंड 5 की, इस वाले की एंड इस वाले की, मींस यहाँ आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 5, ठीक है? नेक्स्ट स्वैपिंग करी इन्होंने 1 एंड 4 की, मींस ये 1 एंड ये 4, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1, ये हो गया सॉर्ट, 1 2 3 4 5 6, मींस ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए और ये एरे हो गया स्वैप। तो हमारे को ये रिटर्न करना है, सबसे पहले काउंट ऑफ ऑपरेशंस एंड उसके बाद कौन कौन से स्वैप्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है? ऐसा कुछ करना है। तो देखो क्या करने वाले हैं, हाँ इसमें देखते हैं, जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि ना एरे में एलिमेंट्स जो है वो 1 से लेकर n तक है, ठीक है? 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स होने का क्या फायदा है, ये ना हमारे को सॉर्टिंग के लिए बस इतना ही करना है, 0 1 2 3। जैसे अगर हम 0 पे स्टैंड कर रहे हैं तो हमारे को ये पता है कि 0 के ऊपर, 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी कि ये एरे सॉर्टेड हो जाए। 0 के ऊपर 1 आना चाहिए, 1 के ऊपर 2 आना चाहिए, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, क्यों? क्योंकि 1 से n तक एलिमेंट्स हैं। 0 के ऊपर 1 एलिमेंट आना चाहिए, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? अब मान लो कि ना 0 के ऊपर 1 नहीं था, 2 3 1 4 ऐसा कुछ था, ठीक? अब मेरे को 0 के ऊपर लाना है 1 किसी भी तरीके से, एक मतलब कुछ n टाइम्स ऑफ स्वैपिंग या फिर m स्वैप्स करूं और मेरा जो 0 पे 1 आ जाए किसी तरीके से, ऐसा कुछ अचीव करना है, ठीक है? तो देखो कैसे कर सकते हैं, मान लो कि ना जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूं, मैं 0 पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं 0 पे 1 लाना चाहता हूँ, तो इसको माना मैंने P1, ठीक है? एंड एक्चुअली मैं 1 रखा कहाँ है, मेरे को स्वैपिंग, जैसे यहाँ पे 1 कहाँ पे रखा है, 1 इंडेक्स पे रखा है, मींस मेरे को इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मींस ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, मींस सही स्वैप हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को ट्रैक भी तो रखना है, देखो किस चीज का ट्रैक, मैं P1 मेरा 0 है, इसका मतलब 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आनी है, 0 प्लस 1, दैट इज 1। मैंने कहा मेरा 1 अभी एक्चुअली में रखा गया है, ये चीज चेक करते हैं। तो इस चीज के लिए ना एक मैप रख लेंगे, मैप क्या बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे रखा है, ठीक है? इतना काम। अब मैंने ये P1 निकाला एंड मैंने P2 निकाला, P2 का मतलब कि ना वो एलिमेंट रखा गया है, ठीक? अब कंडीशंस देखते हैं क्या क्या होने वाली है। P1 जहां पे मैं उसके सही एलिमेंट को लाना चाहता हूँ एंड P2 जहां पर उसका सही एलिमेंट रखा हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर स्टैंड करता, ठीक है यही, ठीक है? तो केसेस देखते हैं, मेरे पास P1 आ गया एंड P2 आ गया, एक सेकेंड, ये n/2, ये P1 आ गया एंड P2 आ गया। अब देखो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, यहाँ P1 यहाँ P2, ठीक है? अगर पहला नॉर्मल सा केस है क्या कि अगर P1 माइनस P2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 है, तो हम इसको डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं, स्वैप, ठीक है? इन दोनों को स्वैप कर देंगे और आंसर को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। कैसे? देखो अगर हमारा 1 यहाँ रखा होता, यहाँ पे 3 रखा होता, मींस हम 2 एंड 1 को स्वैप कर पाते, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 से, मींस 4/2, दैट इज 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2, तो अगर डिस्टेंस 2 या फिर 2 से ज्यादा होगा तो स्वैप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 1 रख देता, यहाँ पे 2 रख देता, बस 1 अपनी सही पोजिशन पे आ गया, आगे का मेरे को पता नहीं, बट 1 अपनी सही पोजिशन पे आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है? तो अगर ऑलरेडी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन n/2 है तो नॉर्मल सी इनको कर दो स्वैप, ठीक? सेकंड कंडीशन देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, मींस ये ना बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, जैसे P1 यहाँ पे है
एंड पी टू यहाँ पे है, ऐसा कुछ। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली तो स्वैप कर नहीं सकते, ठीक। तो देखो अब क्या ट्रिक लगा सकते हैं, मैं पी वन और पी टू को तो स्वैप नहीं कर सकता डायरेक्टली, बट कुछ और कर सकते हैं। देखो क्या दो कंडीशंस अब कि ना इस लाइन के या तो पी वन लेफ्ट में है या तो पी वन राइट में है, ठीक है। अगर इस लाइन के लेफ्ट में पी वन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या मैं पी वन को लास्ट वाले से स्वैप कर सकता हूं, इफ पी वन इज लेस देन एन बाय टू। इस कंडीशन को देखते हैं, मैं किसके साथ स्वैप कर दूंगा, स्वैप पी वन विद एन माइनस वन। क्यों? क्योंकि पी वन एन बाय टू से छोटा जा रहा है, एन बाय टू से स्मॉलर है, मीन्स यहाँ पे है, तो मतलब इसका और एन माइनस में वन का डिस्टेंस तो एन बाय टू से बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्चुअल में एन बाय टू है, तो जब इधर मूव करेंगे तो वो एन बाय टू से बढ़ रहा होगा। तो मैंने पी वाले एलिमेंट को कहाँ रख दिया, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट, मेरे को क्या करना था, मेरे को एक्चुअली में जो पी पी टू वाला है ना, जो भी पी टू पे रखा था उसको मेरे को पी वन पे लाना था, ठीक है। अब पी टू वाले को भी मैंने रख दिया, पी टू वाले को कहाँ रख दिया, एन वन पे। मान लो वैल्यूज रख लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट टाइम स्वैप हुआ, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्वैप किया मैंने किसको, पी टू को एंड ए को, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया। देखो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। अब अगर मैं दोबारा से स्वैप किन को कर दूं, पी वन को एंड एन माइनस में वन को, ठीक है, ये क्या आ गया, ए आ गया, ये क्या आ गया, सी आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, बी, ठीक है। क्या इस पर बी आना था, मतलब इस पर इसकी जो सही पोजीशन थी बी की, यही तो थी। इस पे हमें क्या लाना था, जो पी टू पे एलिमेंट था वो आ तो गया, मीन सबसे पहले हमने पी टू वाले को इधर भेज दिया और पी वन वाले को फिर वापस उठा के इधर ले आए, ऐसा कुछ करा, ठीक है। तो यही टेस्ट केसेस देखने हैं, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट केस कि ना अगर हमारा पी वन लेस देन है एन बाय टू के, ठीक है, तो क्या कर दो, नॉर्मल से स्वैप कर दो। किन किन का स्वैप करना है, पी वन वाले एलिमेंट का एन माइनस वन के साथ, पी वन को एन माइनस वन के साथ स्वैप कर दो लास्ट वाले के साथ। उसके बाद देखो, उसके बाद कंडीशन क्या थी ना, ये दोनों स्वैप करने थे, ठीक है, बट अभी भी दिक्कत है कुछ। देखो मैंने पी वन वाले एलिमेंट को उठा के यहाँ तो रख दिया, उसमें कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि गारंटी है कि पी वन ना एन माइनस में वन से एन बाई टू डिस्टेंस बड़ा होगा ही होगा। बट अगर ऐसा कुछ केस होता कि पी टू यहाँ नहीं होता, पी टू समथिंग यहाँ पे होता, ठीक है, एंड पी टू एंड एन माइनस में वन के बीच में डिफरेंस उतना होता ही नहीं, तो हम इस चीज को करेंगे ट्राई। तो एक फंक्शन लिखेंगे ट्राई नाम का, ट्राई स्वैप पी टू एंड एन माइनस में वन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये फंक्शन चेक करेगा कि क्या ये दोनों स्वैप हो सकते हैं, अगर ये दोनों स्वैप हो सकते होंगे तो इन दोनों को कर देगा, अगर ये दोनों डायरेक्टली स्वैप नहीं होंगे तो ये क्या करेगा, इस वाले को यहाँ पुट करेगा, फिर इस वाले को यहाँ पुट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये राइट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको जीरो के साथ तो स्वैप कर ही पाऊंगा, एंड जीरो वाले को मैं एन माइनस में वन के साथ स्वैप कर सकता हूँ, तो मेरे को ये वाली वैल्यू इनडायरेक्टली यहीं तो लानी थी, ठीक है। जब मेरी ये वाली वैल्यू इनडायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी तो फिर ये वाला स्वैप दोबारा लगा के, ठीक है, ये वाली वैल्यू वापस से यहाँ चली जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो देखो बनाते हैं इसको, ठीक है, इनपुट में आएंगे एन एंड देन एंड इंटीजर्स, विद साइज एन, ठीक है। एक स्टैटिक मैप बना लेते हैं, ठीक है, मैप कंस्ट्रक्ट
साइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैप बनाते हैं एन साइज का, इनपुट लेनी है एन वैल्यूज, वैल्यू आ जाएगी आई माइनस में 1 एंड मैप की वैल्यू पे जाके प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट हो गया मैप। अब मैप क्रिएट होने के बाद नॉर्मल सा क्या एक फॉर लूप चलाएंगे, एरे भी तो बनाना था, तो ए आर आर के आई पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है, 0 से लेकर, ठीक है। अब इसके बाद एक तो नॉर्मल सा स्वैप फंक्शन लिखेंगे, एक स्वैप फंक्शन लिख देते हैं जो क्या करेगा, वैल्यूज को स्वैप करने वाला है। दूसरा फंक्शन क्या लिखेंगे, ट्राई स्वैप, ठीक है। वो क्या बताएगा, वो बताएगा इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन चल रही है, मीन्स कौन कौन सी, P1 - P2 क्या ग्रेटर देन n/2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स ये स्वैप हो सकते हैं क्या, P1 > n/2 है या फिर P1 < n/2 है, ठीक है। ये बनाया था n/2, अगर P1 यहाँ पे है मीन्स इस P1 को हम इससे स्वैप कर सकते हैं, अगर P1 यहाँ पे है इस P1 को इसके साथ स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। देखो वो स्टैटिक वॉइड ट्राई स्वैप, ट्राई स्वैप में क्या देने वाले हैं, दो इंडेक्सेस, ठीक है। इस एरे को भी स्टैटिक ही बना लेते हैं, इसमें आते हैं ट्राई स्वैप। ट्राई स्वैप क्या लेगा, दो इंटीजर्स लेगा, P1 P2 ही रख लेते हैं इनके नाम, ठीक है। ये P1 लिया, ये P2 लिया, ठीक। अब पहली कंडीशन क्या आती है हमारी, इफ मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ P1 - P2, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है किसके, n/2, तो n क्या था देख लेते हैं, इंट n इक्वल्स टू arr.length, अगर मैट डॉट एब्सोल्यूट P1 - P2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके, n/2 के, मींस हम इन दोनों को डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वैप फंक्शन कॉल कर दूंगा किस पे, P1, P2 पे, ठीक है। एल्स इफ, एक एल्स, इसके बाद क्या कंडीशन थी कि ना P1 < n/2 है क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। मींस ये देखो, ये एरे के एलिमेंट्स थे, ये n/2 था, ठीक है, यहां पर था P1 एंड समथिंग P2 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर P1 इधर है मींस P1 को मैं किसके साथ स्वैप करूंगा, n-1 के साथ, ठीक है। स्वैप P1, n-1, नॉर्मल सा स्वैप है। अगर एल्स में आते हैं तो स्वैप 0, P1, ऐसा कुछ चलेगा। बट इसके बाद एक और कंडीशन है, क्या मैंने P1 वाले एलिमेंट को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, बट इसके बाद P1 वाले को यहाँ तो रख दिया, इस वाले एलिमेंट पे क्या आना चाहिए था, P2 आना चाहिए था, क्योंकि हमें P2 की वैल्यू इधर रखनी थी, तो P2 वाले को इधर रखना चाहिए, ठीक है। मींस P2 एंड n-1 हमारे स्वैप होने चाहिए, बट जरूरी नहीं कि P2 एंड n-1 स्वैप हो जाए, हो सकता है कि P2 एंड n-1 के बीच का डिस्टेंस n/2 से ग्रेटर ना हो, तो नॉर्मल सा ट्राई स्वैप, दोबारा से ट्राई स्वैप कॉल कर देंगे किस पर, कि ना P2 के साथ n-1 को स्वैप करने के लिए ट्राई कर लो। इसमें ट्राई स्वैप किसको, P2 को 0 के साथ, ठीक है, ऐसा कुछ। अब स्वैप फंक्शन लिखना है, पब्लिक स्टैटिक स्वैप, आई आएगा जे आएगा, ठीक है। देखो अब स्वैप में थोड़ा सा फर्क है,
इस वाले में देखो क्या चीज, ठीक है, ये जो मैप हमने बना रखा है, ये मैप और ये एआरआर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर हम एआरआर की वैल्यूज को करेंगे स्वैप, मीन्स हमें मैप में भी कुछ चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको एक बार, 0 1 2 3, यहाँ पर 2 3 4 1 ऐसे करके, एंड मैप में क्या रखा होगा, ये तो एआरआर है, ये मैप है 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ 0 रखा होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, क्योंकि वैल्यू भेज लिया था। तो 3 के लिए 0, 2 के लिए 1, 1 के लिए 2, एंड 0 के लिए 3, ऐसा कुछ रखा होगा। अब मान लो कि ना, आई मेरा 0 है एंड जे मेरा 2 है, आई मेरा 0 है, जे मेरा 2 है, ठीक है, इस स्वैप में, ठीक। सबसे पहले तो मेरे को इन दोनों की वैल्यूज कर देनी है चेंज। मैं कर दूंगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कर दूंगा मैं 3, ऐसा कुछ। अब इसके बाद 1 की पोजीशन हो गई है 0 एंड 3 की पोजीशन हो गई है 2, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये कैसे कर सकते हैं, देखो तो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले V1 सेव कर ली, जो भी पुरानी वैल्यूज है ARR का जे, ठीक है, ARR के I पे डाल दी V2, ठीक है, एंड ARR के J पे डाल दिया V1, ठीक है। V1 I की वैल्यू थी जो कि J पे पुट कर दी, एंड V2 J की वैल्यू थी जो कि I पे पुट कर दी। ये तो हमारे ये एरे हो गया इंप्रूव, बट अब मैप को भी इंप्रूव करना है, ठीक है। तो देखो मैप में क्या करने वाले हैं, मैप में अब जो ARR I की वैल्यू है, ये मींस 1, उसके अक्रॉस 0 पुट कर दो, एंड जो 3 उसके अक्रॉस 2 पुट कर दो। देखो क्या कि मैप के ARR के आई पर जाके आई पुट कर दो, एंड मैप के ARR के जे पे जाके जे पुट कर दो, ऐसा कुछ, ठीक है। इससे हो गया स्वैप, बट जरूरी नहीं कि आई जे स्वैप हो जाए। अगर आई जे सेम हो गए, एक ही एलिमेंट था एरे में, आई जे सेम हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, ठीक है। ये होगी एल्गो पार्ट। अब हमें क्रिएट करना था आंसर, ठीक है। यहाँ पे किसको कॉल कर देंगे, ट्राई स्वैप को, ठीक है। ट्राई स्वैप को आई के साथ एक और वैल्यू देनी है, क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, पोजीशन की। देखो आई पे आए हम, जैसे 1 पे आए, तो मैंने कहा 1 पे एलिमेंट कौन सा रखा होना चाहिए था, मैंने कहा कि ना 1 पे एलिमेंट 2 रखा होना चाहिए था, ठीक है। तो इस 2 की पोजीशन कहाँ से मिलेगी, मीन्स आई तो ये है, जे कहाँ से मिलेगा, मैप में से, ठीक है। तो पोजीशन हो गई मैप में आई, ठीक है, एंड यहाँ पे पुट कर दिया पोजीशन, ठीक है। इतना काम हो गया। अब करना है आंसर क्रिएशन। आंसर क्रिएट कहाँ पे हो रहा होगा, आंसर तब क्रिएट हो रहा होगा जब हम वैल्यू को कर रहे होंगे स्वैप, मींस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग बिल्डर बना रखे हैं नीचे, उसमें क्या अपेंड कर देंगे, आई प्लस जे, ठीक है, ये अपेंड कर देंगे आई प्लस में जे, ठीक है। और एक स्टैटिक काउंट भी लेना पड़ेगा कि कितने ऑपरेशन हमने किए हैं, स्टैटिक आंसर 0 इंटीजर, एंड यहाँ पे अगर आएंगे तो आंसर को कर देंगे प्लस प्लस, एंड नीचे जाके ये एस बी प्रिंट कराने से पहले क्या प्रिंट करा देंगे, आंसर, ठीक है, जो भी मतलब की काउंट है उसका, ठीक है। ये हो गया कोड, एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन एरर, ठीक है, वॉइड लगना था, ये ट्राई स्वैप है, ये स्वैप,
स्लैश एन भी ऐड करना था उसमें। प्लस स्लैश एन ठीक है, तो 6 आ रहा है, 6 भी वैलिड होगा वैसे इस वाले केस में, 6 आ रहा है, 6 स्वैप से भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। एक ये वाला केस रह गया था इसमें कि अगर ये हिट होगा तो एक बार हमें ये स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला कोड एक्चुअली सेम ही है। ठीक है, कोड फोर्सेस अभी डाउन है तो सबमिट हो रहा है ये, देखो यही वाला है सेम। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।